फलों का राजा वैसे तो आम को कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे आकर्षक फल की, तो स्ट्रॉबेरी को सबसे पहला स्थान मिलेगा। दिल के आकार से काफी मिलता जुलता ये फल चटक लाल रंग का होता है। स्वाद में हल्की मिठास और हल्का खट्टापन लिए स्ट्रॉबेरी बेहद रसीला फल है। स्ट्रॉबेरी जूस, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक और स्मूदी के बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। तमाम तरह के पोषक तत्व जैसे विटामिन, कैल्शियम, डाइट्री फाइबर्स आदि से भरपूर स्ट्रॉबेरी फल की कैंडी आप सबने जरूर खाई होगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने का मन बना चुके हैं और एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जुड़िए। डाउनलोड करिए IID की मोबाइल एप्लीकेशन एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव, जहां आपको अपने बिजनेस से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलेंगी। आज IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने वीडियो के जरिए आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देगा। इसके अलावा इस वीडियो से आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारियां भी मिलेंगी। रॉ मटेरियल्स। अगर आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसके लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस के लिए आपको शुगर, लिक्विड ग्लूकोज सिरप, साइट्रिक एसिड और फ्लेवर्स यानी कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉबेरी सिरप की रिक्वायरमेंट होगी। एरिया। नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए दूसरा सबसे जरूरी एस्पेक्ट है एरिया की जानकारी, मतलब कि आपको पूरा सेटअप खड़ा करने के लिए कितनी जगह की नीड होगी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा। इसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज से लेकर प्रोडक्शन, पैकेजिंग और ऑफिस का एरिया भी इंक्लूडेड है। ध्यान रहे कि एरिया आपके प्रोजेक्ट साइज पर भी डिपेंड करता है। मैं शांतु नरोजा, प्रोप्राइटर लक्ष्मीपुर दारेबाग। मैं यहाँ पे शुगर कैंडी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। मैंने ये कंपनी सन 2010 में लगाई थी। कैंडी फॉर्मिंग लाइन लगाई हुई है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 3000 के आसपास में है। प्रोसेस। अब हम जानेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले बॉयलर की मदद से स्टीम को जेनरेट किया जाता है। इसके बाद प्राइमरी रॉ मटेरियल्स जैसे कि शुगर, ग्लूकोज सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप आदि को वैक्यूम कुकर में फीड किया जाता है, जहां स्टीम की मदद से ये मिक्सचर कुक होता है। कुक होने के बाद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मास को कूलिंग टेबल पर डीपैन किया जाता है, ताकि सिरप को ठंडा किया जा सके, और साथ ही इसमें सिट्रिक एसिड और एडेड शुगर पाउडर को ऐड करके मैन्युअली नीड किया जा सके। अब तैयार हो चुके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मास को बैच फॉर्मर में फीड किया जाता है, जहाँ से ये रोल होता हुआ रोप साइजर मशीन में जाता है, जहाँ इसे कैंडी के रूप की शेप दी जाती है। इसके बाद इसे कैंडी डाई फॉर्मिंग मशीन में फीड किया जाता है, जो कि इस रूप को डाई में प्रेस करके कैंडी का फाइनल शेप दे देती है। अब कूलिंग कन्वेयर की मदद से इन कैंडीज को ठंडा किया जाता है और फिर इसे पैकेजिंग के लिए कैंडी पैकेजिंग मशीन में फीड किया जाता है, जहाँ ये मार्केट में सेल होने के लिए रेडी कर दी जाती है। मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हर बिजनेस को शुरू करने के लिए मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको बॉयलर सिस्टम, वैक्यूम कुकर, कूलिंग टेबल, कैंडी बैच फॉर्मर, रोप साइजर, कैंडी मोल्डिंग मशीन, कूलिंग कन्वेयर और कैंडी पैकेजिंग मशीन की जरूरत होगी। इसके अलावा अदर इक्विपमेंट्स में पैन्स, ट्रेस, किचन टूल्स आदि चाहिए होंगे। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी।
किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने से पहले उसमें लगने वाली लागत और कमाए जाने वाले मुनाफे से जुड़े सवालों में अक्सर उलझ कर रह जाते हैं। तो चलिए आपकी मुश्किल आसान करते हुए हम आपको बताते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने पर आपका इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना हो सकता है। बात अगर इन्वेस्टमेंट की हो तो जरूर ध्यान रखें कि यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रखना चाहेंगे, मतलब स्मॉल या लार्ज स्केल बिजनेस करना चाहेंगे। इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए 34 से 38 लाख इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस कॉस्ट के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट की रेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 80 किलो पर आर होती है। आप इस स्केल के प्लांट से आसानी से 15 से 18% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिक लोड की अगर बात करें तो आपको कम से कम 40 से 45 HP हॉर्स पावर, मतलब 30 से 35 किलोवाट थ्री फेज कनेक्शन की जरूरत होगी। मैन पावर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 8 से 10 वर्कर्स की जरूरत होगी, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, अकाउंटेंट, टेक्नीशियन और अन्य वर्कर्स भी शामिल हैं। लाइसेंस रिक्वायर्ड। अब जान लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको कौन से लाइसेंसेस लेने होंगे। इस बिजनेस के लिए आपको GST, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, FSSAI और NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेना होगा। साथ ही आप कुछ स्कीम्स का भी लाभ ले सकते हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया एंड PMFME। IID का उद्देश्य है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके, इसी कारण से हम आपके लिए हर बार नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आते रहे हैं। अगर आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने और अच्छी तरह चलाने के लिए किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए गए हैं। डाउनलोड करिए IID की मोबाइल एप्लीकेशन एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव, जहां आपको अपने बिजनेस से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।